Okay, so like in the last class, we looked at the concept of gender, okay, and how, you know, like gender inequality, I mean, in what ways gender stereotype is created, किस तरीके से इसको जो है reinforce किया जाता है different media के through. हमने ये भी देखा कि किस तरह से gender stereotyping जो है वो एक inequality create करता है जिसका महिलाओं के ऊपर जो है नॉर्मल आई मीन डिफरेंट सोसाइटीज़ में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनका इन स्टीरियोटाइप्स का और उस पर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं उसकी वजह से जो है महिलाओं के वेलफेयर पर उनके वेलबींग पर जो है काफ़ी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. और फिर हमने जो है कुछ गवर्नमेंट मेजर्स के बारे में भी देखे, मेजर्स विच आर एम्ड एट रिड्यूसिंग दिस जेंडर इनइक्वालिटी. ओके, तो ये सब चीज़ें तो हमने देखी, लेकिन अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो महिलाओं का रोल हमारी सोसाइटी में रहा है, किस तरीके से ये बदला है. कुछ महिलाओं के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने कि दूसरी महिलाओं के जीवन को सुधारने की दिशा में काम किया है, या फिर किस तरह से जो है महिलाओं के क्रांति ने, महिलाओं के मूवमेंट ने जो है महिलाओं के हित की बात को आगे बढ़ाया है. सो वी विल लुक एट ऑल दीज थिंग्स. Basically, we will look at women's struggle and journey for, you know, like greater equality and, well, yeah, a better place in the society. I think like this is a very interesting poem to begin with. This is a poem written by students of class 7 from a school in Baroda. Okay? तो शुरू में ही क्या कहता है कि इन माय टेक्स्ट बुक्स आई लर्न दैट ओनली मैन आर किंग्स एंड सोल्जर्स टिल आई रेड अ बुक इन विच फेमस क्वींस रूल्ड एंड फॉट अगेंस्ट एनिमीज. ओके, इन माय टेक्स्ट बुक्स आई लर्न दैट ओनली मैन आर डॉक्टर्स व्हेन आई वेंट टू अ डॉक्टर आई सॉ दैट शी वाज अ वुमन. इन माय टेक्स्ट बुक आई लर्न दैट ओनली मैन डू फार्मिंग इन माय कंट्री अंटिल ऑन अ ट्रेन जर्नी आई सॉ वुमेन वर्किंग इन द फील्ड्स. I have learned that I have a lot to learn by seeing. Okay, तो well, ये poem जो है this is a good starting point कि जिस तरीके का हम लोग portrayal देखते हैं world का, शायद वो portrayal नहीं है. Okay, जब ये कहते हैं कि like only men are kings and soldiers, मतलब क्या हो गया कि administrative power, martial power, ये सारी powers जो सिर्फ men के पास होते हैं. But then remember like although you know like I don't agree with it entirely, हम सभी के पास जो है रानी लक्ष्मी भाई और इस तरह के जो है बहुत सारे बहादुर महिलाओं का जो है डेफरेंस मिलता है, वेयर वीमेन हैव नॉट ओनली प्रूव टू बी यू नो लाइक वेरी कैपेबल रूलर्स बट ऑल्सो ब्रेव वॉरियर्स. ओके, ऑफकोर्स लाइक उसके आगे जैसे है कि ओनली मैन आर डॉक्टर्स, लेकिन फिर कहते हैं कि लेकिन जब मैं डॉक्टर से मिलने गया तो मैंने देखा कि एक्चुअली शी वॉज अ वुमन. ऑफकोर्स लाइक और फिर आगे कि लाइक सिर्फ पुरुष हैं वो खेती करते हैं, लेकिन ट्रेन पर मैंने देखा कि महिलाएँ जो हैं वो भी खेत में काम करती हैं. इस तरह से हमें जो है देख के बहुत कुछ सीखना है. ऑफकोर्स आपको देख के बहुत कुछ सीखना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट यू नो लाइक इवन दो दिस पोएम माइट नॉट बी इंटायरली यू नो लाइक बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इवन दो दिस पोएम माइट बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन एन एग्जैजरेटेड मैनर, थोड़ा सा है ना. अभी के टाइम में कोई जो है ये तो नहीं सोचता है कि सिर्फ जो है पुरुष ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करते हैं, या फिर पुरुष ही डॉक्टर बनते हैं, या पुरुष ही खेती करते हैं. ऐसा मेरे ख्याल से तो अब खास करके जो है नहीं कोई सोचता होगा, बट स्टिल ये एक जो डीपली अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसको तो जोर हाईलाइट करता है, दैट वी आर लिविंग इन अ मेल सेंट्रिक वर्ल्ड. हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कि सारे विचार, सारे आइडियाज जो हैं वो पुरुषों के इर्द गिर्द घूमते हुए लगते हैं, राइट. तो खैर, स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग, तो ये जो है कहीं ना कहीं उसी स्टीरियोटाइपिंग पर बेस्ड है. एंड नाउ वी विल बी लुकिंग एट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग जॉब्स, क्योंकि इस पोएम में भी हमने क्या देखा कि ये जो है जॉब रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं कि किंग या सोल्जर, अच्छा हाँ, मतलब ये मान के चलो कि मेल ही होगा, डॉक्टर मान के चलो कि मेल ही होगा, किसान मेल ही होगा, नहीं भाई फीमेल भी हो सकती हैं ऐसा, बट स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं. तो यही हो जाता है कि मतलब किस जेंडर के साथ आप किस तरह के काम को एसोसिएट करिएगा, ये जो है एक माइंडसेट बन जाता है. नहीं, जैसे दादी माँ बोलती है ना कि राहुल को चाइनी बनाना है चाहे जो है वो रिया बना लगी, राइट. तो वीमेन को किस तरह किस स्टीरियोटाइप में ढाला गया है, तो उनको जो है होम मेकर के स्टीरियोटाइप में ढाला गया है, जबकि मेन जो हैं वो ब्रेड विनर्स हैं, ठीक है. जॉब सिनेरियो में अगर आप देखो तो वीमेन जो हैं उनको उस इस तरह के जॉब्स दे आर यू नो लाइक सीन डूइंग जॉब्स दैट आर कंसिडर्ड सेफ फॉर देम. ओके, वो जो है आपको सेफ जॉब करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि आप टीचर, नर्सेस, राइट.
जो कि उनके केयर टेकर वाले रोल के साथ जो है फिट आता है एकदम से। फिर इस तरह के प्रोफेशन जिसमें कि साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको जो है फिर वीमेन के लिए फिट नहीं माना जाएगा। जैसे देखते हो ना अभी भी हमारे यहाँ ज़्यादातर केस अक्सर ऐसा होता है कि लाइक इफ़ आई मीन इफ़ यू आर यू नो लाइक परस्यूइंग योर 12th एंड इफ़ यू आर ए गर्ल इट्स वेरी लाइकली यू विल गो फॉर PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इफ़ यू आर अ बॉय इट इज़ PCM। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल ट्रेंड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है लेकिन अक्सर ये चीज़ देखी जाती है। कहीं ना कहीं ये जो है जॉब स्टीरियोटाइप से ही इंस्पायर्ड हो सकता है। ओके तो ये जो है मान लो कि ये जॉब पहली बात अब ये क्या है कि जो रिस्क इन्वॉल्व्ड और दूसरा कि स्टीरियोटाइप जो अटैच है इसके साथ कि महिलाएं जो हैं वो टेक्निकल चीज़ें नहीं कर सकती हैं, यही वजह है कि जो साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज वाले जो प्रोफेशन हैं उनको महिलाओं के लिए फिट नहीं माना जाता है। तो इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से ही जो है हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बच्चों को जो है डिफरेंट आई मीन पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए तैयार करते हैं जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर पायलट वगैरह। दूसरी तरफ गर्ल्स रेयरली गेट द सेम इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, लड़कियां जो हैं उनको बहुत कम ही इस तरह से हमें सेम लेवल ऑफ इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है कि वो भी अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा कर सकें। हमारी सोसाइटी में बाकी सोसाइटीज़ की तरह ही ऑफकोर्स खास करके बच्चे जो हैं उनको दूसरों से प्रेशर झेलना पड़ता है, उनकी थिंकिंग जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडल्ट्स थॉट प्रोसेस। उनकी थिंकिंग जो है वो जो बुजुर्ग हैं उनके थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो फॉर एग्जांपल बॉयज जो हैं उनको जो है पैसा कमाने की ट्रेनिंग दी जाती है जबकि गर्ल्स आर ट्रेंड इन द हाउस होल्ड जॉब्स, लड़कियों को जो है हाउस होल्ड काम की ट्रेनिंग दी जाती है। ओके आई मीन जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में स्टीरियोटाइप्स प्रेजुडाइस वगैरह के बारे में पढ़ा तो वही सब चीज़ होती रहती है राइट। अब यद्यपि मान लो कि ऐसा चलता है सोसाइटी का ये जनरल ट्रेंड है लेकिन कुछ लड़कियां कुछ महिलाएं जो हैं उन्होंने इस स्टीरियोटाइप इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। ओके और उन्होंने जो है इस तरह के जॉब्स लिए हैं जो कि टिपिकली जो है मेल मेंस डोमेन माना जाता है, पुरुषों के एरिया का माना जाता है, उनके अधिकार क्षेत्र का माना जाता है। और हम लोग कुछ ऐसे ही केसेस को देखेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग विथ किरण मजूमदार शॉ। इफ आई कैन बिल्ड अ कंपनी लाइक बायोकॉन एनीवन कैन, ये किरण मजूमदार के शब्द हैं कि अगर मैं बायोकॉन जैसी सब कंपनी बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकता है। ऑफकोर्स थोड़ा सा फिर से बढ़ा चढ़ा है क्योंकि एवरीवन वुड नॉट हैव यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड टू स्टार्ट विथ। खैर अभी के टाइम में जो है वो आई मीन अभी के टाइम में बायोकॉन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में पायनियरिंग कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, लेकिन ये सक्सेस जो है वो इतनी आसानी से नहीं आया। शी स्ट्रगल हार्ड टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। उसे जो है काफ़ी संघर्ष किया किरण मजूमदार शॉ ने जो है काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने एक सफल जो है महिला उद्यमी ऑफ भारत का महिला उद्यमी बनने के लिए। 1946 में बेंगलुरु में उनका जन्म हुआ और किरण जो है वो अपने फादर से इंस्पायर्ड थी जो कि एक मास्टर ब्रूअर थे। ब्रूइंग बेसिकली लाइक खास करके अल्कोहल इंडस्ट्री में खास करके जो है ब्रूइंग या ब्रूवरीज जो होती हैं वही जो है इस तरह के प्रोसेसिंग का काम करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है बहुत सारे काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मास्टर ब्रूअर होगा, फिर टेस्टर होगा, बहुत तरह के काम होते हैं ना। तो वो जो है मास्टर ब्रूअर थे, तो ब्रूअर मतलब बेसिकली यू नो फर्मेंटेशन मेकिंग अल्कोहल एंड एवरीथिंग। अब उनकी पढ़ाई जो है वो बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल में शुरू हुई, काफ़ी अच्छा स्कूल है, और फिर उसके बाद जो है माउंट कार्मेल कॉलेज उनका जाना हुआ, ठीक है। वो जो है साइंस से शी वॉज ए टॉपर इन साइंस फ्रॉम बेंगलोर यूनिवर्सिटी, सो दैट्स क्वाइट एन अकम्प्लिशमेंट राइट। वो जो है साइंस टॉपर रही बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। नाउ लुक एट इट, स्टीरियोटाइप क्या है दैट इन यू नो लाइक साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड्स वीमेन आर नॉट सो गुड, लेकिन वो जो है यूनिवर्सिटी टॉपर रहे। उसके बाद जो है शी वेंट ऑन टू बैलारट कॉलेज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। वो जो है फिर वहाँ से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया चली जाती है जहाँ पर कि वो जो है माल्टिंग और ब्रूइंग टेक्नोलॉजी में जो है स्पेशलाइजेशन करती है और इंडिया की पहली जो है वुमन ब्रू मास्टर बनती है। ठीक है, नॉर्मली जो है मास्टर ब्रूअर का काम जो है वो मेल डोमेन था, लेकिन वो जो है इंडिया की पहली महिला जो है ब्रू मास्टर बनती है। ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी यूनिवर्सिटी थी देयर शी वॉज द ओनली वुमन इन एन ऑल मेल क्लास, जब सारे बॉय मेल स्टूडेंट्स थे, सारे पुरुष छात्र थे उस क्लास में, तो वो सिर्फ अकेली महिला थी, अकेली लड़की थी, बट शी स्टिल मैनेज टू बी एट द टॉप। वो जो है टॉप ऑफ द क्लास रही वहाँ पर भाई। तो मतलब क्या हो गया कि इंटेलेक्चुअली जो है लड़कियाँ जो है किसी से कमज़ोर नहीं होती हैं।
25 ईयर्स के एज में और 10,000 बैंक अकाउंट में रख के जो है उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, जो कि बेसिकली मेल डोमेन है, नहीं पुरुषों का ही अधिकार क्षेत्र एक तरीके से माना जाता है। आगे वो कहती हैं, बिल्डिंग एन एंटरप्राइज इज लाइक एम्बार्किंग ऑन ए वॉयज ऑफ डिस्कवरी, कि एक बिजनेस खड़ा करना जो है, एक उद्यम खड़ा करना जो है, वो बेसिकली जो है कह सकते हो कि डिस्कवरीज की एक यात्रा शुरू करना है। फर्स्ट यू नो लाइक आई मीन पहला चैलेंज था ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग यू नो लाइक वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले तो उसको जो है ये स्टीरियोटाइप तोड़ना पड़ेगा ना कि महिलाएं उद्यमी हो सकती हैं, राइट। और उसके बाद जो है अभी का चैलेंज कि आप जो है बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स डेवलप करवाइए विच कैन कॉम्बैट डायबिटीज कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस, राइट। मिस सॉ कहती हैं कि हर जर्नी टू द टॉप हैज़ बीन स्ट्रून विद सोशल टेक्नोलॉजिकल एंड न्यू साइंटिफिक चैलेंजेज। तो मतलब कि दिस इज यू नो लाइक वन होल सेंटेंस, और यहाँ पर वो क्या मिलता है देखने के लिए कि मतलब शी डज नॉट ओनली हैव टू फाइट यू नो लाइक दिस होल स्टीरियोटाइप बिल्ट अराउंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, एक तरफ जो है उसे सोशल उन्हें सोशल चैलेंजेस से फाइट करना पड़ा जो कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के आसपास जो एक बना हुआ था, नहीं दैट यू नो लाइक वीमेन कैन नॉट बी गुड डिसीजन मेकर्स, दे कैन नॉट बी गुड एंटरप्रेन्योर्स एंड एवरीथिंग। और उस फिर चूंकि आप बिजनेस के फील्ड में हैं, यू आर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो फिर नया प्रोडक्ट डेवलप करना बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो कि डायबिटीज या कैंसर या ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों से लड़ सके, तो इस तरह से लाइक अपनी फील्ड के टॉप पर पहुंचने की जो जर्नी रही है उसमें उसे जो है इन दोनों फील्ड दोनों फ्रंट पर या तीनों फ्रंट पर जो है सोशल टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक चैलेंजेस, इन सभी फ्रंट पर जो है उसे उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी जो है बायोकॉन जो है वो दुनिया के स्टेज पर जो है बिल्कुल गर्व से खड़ा है, एंड बायोकॉन्स एंडेवर हैज़ प्रूवन टू द वर्ल्ड दैट इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास बायोटेक्नोलॉजी फर्म इन इंडिया एंड दैट अ वुमन कैन सक्सीड इन डूइंग सो। बायोकॉन जो है उसने ये प्रूव कर दिया है, या बायोकॉन के प्रयासों ने ये प्रूव कर दिया है कि ये संभव है कि आप जो है वर्ल्ड क्लास बायोटेक्नोलॉजी फर्म इंडिया में बना सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक औरत जो है वो भी ऐसा करने में सफल हो सकती है। अब अभी के टाइम में अगर बात करो तो एजुकेशन पाना या स्कूल जाना ये काफ़ी कॉमन है। ओके, लड़के लड़कियां बोथ गो टू स्कूल, लेकिन जो अभी आपको जो है कॉमन दिखता है वो पास्ट में ऐसा था नहीं। ओके, इन द पास्ट गर्ल्स एंड वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और स्कूल्स। पहले के टाइम में जो है लड़कियों या महिलाओं को जो है शिक्षा या स्कूल तक का एक्सेस नहीं प्राप्त था। Those girls who dared to acquire knowledge were not treated well by the society. वो लड़कियाँ जो कि ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करने की हिम्मत करती थी, dare, right? तो उनको जो है सोसाइटी के द्वारा बहुत बढ़िया जो है ट्रीट नहीं किया जाता था, सोसाइटी में जो है उनकी इमेज बढ़िया नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स, मतलब कि सामाजिक और धार्मिक जो रिफॉर्मर्स हुए, समाज सुधारक हुए इंडिया में, खासकर 19th सेंचुरी स्टार्टिंग में ही मान लो आप, तो उन्होंने जो है सोसाइटी में भी चेंजेस लाए और साथ ही साथ जो है गर्ल्स के एजुकेशन का भी उन्होंने जो है रास्ता दिखाया। स्कूल्स जो हैं वो स्कूल्स भी बिकेम मोर कॉमन, राइट। स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हो गए, एंड पीपल हु हैड नेवर बीन टू स्कूल स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और लोग जो पहले खुद कभी स्कूल नहीं गए थे उन्होंने अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजना शुरू कर दिया। However, education for girls still did not receive the desired results. लेकिन अभी भी लड़कियों के लिए शिक्षा जो है इसमें वैसा परिणाम नहीं मिला था जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी। Women continued struggling for their right to be educated. महिलाएं जो हैं वो अभी भी संघर्ष कर रही थी अपने शिक्षा के अधिकार के लिए। ओके, अब ऐसे में जो है बहुत सारी महिलाएं पास्ट में रही हैं हु ट्राइड टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड एट द सेम टाइम ट्राइड टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ अदर वीमेन। बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने कि खुद को तो शिक्षित करने की कोशिश की ही, साथ ही साथ जो है उन्होंने दूसरी महिलाओं के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। और ऐसी ही एक हिम्मत वाली महिला जो थी उनका नाम था पंडित रमाबाई। ओके, पंडित रमाबाई जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और सोशल रिफॉर्मिस्ट थी 19th सेंचुरी के। ओके, पंडित रमाबाई वाज अ रेप्यूटेड संस्कृत स्कॉलर, मतलब संस्कृत के विद्वान, एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट मतलब कि समाज सुधारक, कब के 19th सेंचुरी के। आफ्टर हर पेरेंट्स डेथ रमाबाई एंड हर ब्रदर केम टू कोलकाता
तब कैलकाटा नाम था इसका, इन 1878। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रमाबाई और उनके भाई जो थे वो कोलकाता आ गए 1878 में। नाउ हर फ्लुएंसी इन संस्कृत एंड नॉलेज ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर्स अर्न्ड हर द टाइटल्स ऑफ पंडिता एंड सरस्वती। अब संस्कृत में जो उनकी फ्लुएंसी थी और संस्कृत ग्रंथों का जो उनके पास नॉलेज था, इसकी वजह से उन्हें जो है पंडित और सरस्वती की जो है पदवी दी गई, टाइटल दी गई। She started taking educational tours to various towns of Bengal and Assam. उन्होंने जो है शैक्षिक जो है भ्रमण करना शुरू किया बंगाल और असम के बहुत सारे शहरों का। रमाबाई केम टू पुणे एंड विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण गोपाल भंडारकर स्टार्टेड द आर्य महिला समाज। रमाबाई जो है पुणे आई और वहाँ पर जो है जो बाकी सुधारक थे जैसे कि महादेव गोविंद रानाडे और फिर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इन सब के साथ जो है मिलके आर्य महिला समाज की स्थापना की। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू सेव वीमेन फ्रॉम सोशल एंड रिलीजियस इविल्स। आर्य महिला समाज जो था ये बेसिकली महिलाओं को जो है सामाजिक और धार्मिक बुराइयों से बचाने का काम करता था। रमाबाई ऑल्सो वॉन्टेड टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। रमाबाई जो है वो शिक्षा की व्यवस्था को भी सुधारना चाहते थे। शी सजेस्टेड दैट टीचर्स बी ट्रेंड एंड वीमेन इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल बी अपॉइंटेड। उनका ये सजेशन था कि टीचर को जो है आप ट्रेनिंग दीजिए पहली बात, और दूसरी बात कि स्कूल्स के लिए वीमेन इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करिए। जिससे क्या हो जाएगा कि एजुकेशन को जो है वीमेन के परस्पेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि कैरी आउट भी किया जाएगा और इससे जो है वीमेन के इंक्लूजन का रास्ता भी जो है ज़्यादा कह सकते हो कि सहज होगा। शी ऑल्सो इंसिस्टेड दैट एवरी वुमन शुड बी प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दैट इंडियन वुमेन बी एडमिटेड इन टू मेडिकल कॉलेजेस। उन्होंने जो है जोर डाला, इंसिस्ट मतलब जोर डालना कि हर एक महिला जो है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। भाई स्वास्थ्य जो है तो बेसिकली जो चीज़ अभी WHO या बाकी चीज़ बाकी लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो बेसिक जो है ह्यूमन राइट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो आई मीन शी वॉज यू नो लाइक पंडित रमाबाई वॉज ऑल्सो आस्किंग फॉर द सेम। और साथ ही साथ लेकिन उनका डिमांड एक और काफ़ी फार रीचिंग डिमांड था, ये कि भारतीय महिलाएं जो हैं इनको मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलना चाहिए, दे शुड बी एडमिटेड इनटू मेडिकल कॉलेजेस। अब रमाबाई एफर्ट्स बोर फ्रूट व्हेन लेडी डेफरिन स्टार्टेड द वीमेन्स मेडिकल मूवमेंट। रमाबाई के प्रयास जो थे उनका नतीजा मिला जब लेडी डेफरिन जो थी उन्होंने वीमेन्स मेडिकल मूवमेंट शुरू किया। Now Pandit Ramabai went on to establish a number of women's associations in various towns of Bombay Presidency. Pandit Ramabai jo hai unhone wo jo hai fir baad aage chalke unhone mahilaon ke bahut sari associations banaye Bombay Presidency ke alag alag shaharon mein. She started an institute called Sharda Sadan which provided education and employment to young widows. उन्होंने जो है एक संस्था शुरू की शारदा सदन करके, जो कि कह सकते हो कि शिक्षा और रोजगार प्रोवाइड करता था युवा विधवाओं को। तो वेल दैट वाज पंडित रमाबाई। नाउ वी हैव टू नो लाइक लुक एट अदर नोटेबल फिगर्स लाइक रोकेया शेखावत हुसैन एंड देन वी विल यू नो लाइक look at the some data and subsequently talk about reasons for inequality and struggle for equality in the Indian context, and then of course we have these case studies and everything to look at, but we will do those in the coming classes. Okay, well then just jo bhi samne aaj discuss kiya hai aap isko dobara padh lijiyega ek bar. Okay, so that you know like you understand everything, you remember everything that's there, and then well yeah, we will start with the next class. Okay, bye-bye, have fun.